मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय शहडोल के ब्योहारी में रेत माफिया द्वारा की गई पटवारी की हत्या को लेकर माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए निकला। देखिए रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मेजर जनरल श्याम शंकर श्रीवास्तव है, भोपाल का रहने वाला हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है और 36 साल फौज में रहने के बाद वापस भोपाल 2014 में आ गया था। यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो पूर्व सैनिक विभाग है उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा 3-4 दिन पहले 25 तारीख की रात को एक पटवारी जी जो कि प्रसन्न सिंह बघेल थे, उनकी रेत माफिया के लोगों ने ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या कर दी और वो एक पूर्व सैनिक भी थे। तो आज हम लोग जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ पर हैं, आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग ये इस तरह का एक रैली वो निकाल रहे हैं और एक ज्ञापन जाकर के मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर साहब को देने वाले हैं, जिसके अंदर हम उनको बताने वाले हैं कि पहली बात जो इस तरह का ये काम चल रहा है ये बिल्कुल जंगल राज है, इसी किसी भी तरह से रोकिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पूर्व सैनिक इस तरह से मारा जाना नहीं चाहिए। जो पूर्व सैनिक होते हैं, बल्कि ये पूर्व सैनिक भी, इसको अवार्ड ही मिला हुआ था। ये जो बॉर्डर के ऊपर पोस्टेड था, बाकी सारे लोगों से लड़ सकता था, लेकिन जब ये निहत्ता था और इसको बिना किसी फोर्स के भेजा गया तो इसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि पहले इसके ऊपर जिन लोगों ने ये काम किया है उनको फांसी की सज़ा जल्दी से जल्दी कोर्ट लगा करके देनी चाहिए, और ये सज़ा इसलिए दी जानी चाहिए कि इस राज्य को किसी भी तरह यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। वरना क्या होता है कि ये सब अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी आदमी की जान की इनके पास में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि उसकी पत्नी को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी बात, जितने भी फौजी जो अभी सरकारी नौकरियों के अंदर आ रहे हैं वो ट्रेंड होते हैं, वो लेके पिस्तौल से लेके तो टैंक तक सब चला सकते हैं, उनको हथियार देकर के भेजना चाहिए, जिससे जितने भी ऐसे तरह के माफियाएँ उनको ये पता रहे कि इस देश के अंदर मतलब वो उनका राज नहीं चलेगा। जो सरकारी राज है, जो सच में होना चाहिए वैसे काम होना चाहिए। और इसके लिए अभी आज हम लोग, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए बहुत थोड़े से लोग हम जो हैं अभी कलेक्टर साहब को जाकर के ज्ञापन देने वाले हैं, उसी कापी हम आपको भी दे देंगे। और अगर अभी जैसे आचार संहिता 3 तारीख को ख़त्म हो रही है, अगर हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हम फिर हज़ार दो हज़ार लोग सड़कों पर उतरेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर ये प्रदर्शन करेंगे कि इस प्रदेश के अंदर जो प्रशासन है उसको सुधारा जाए और ऐसी तरह की कोई भी घटना दोबारा न हो पाए।